आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो यहां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ डैश इन एयर लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो यहां पहले आप समझिए ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ठीक है, यहां समझिएगा, देखिए यहां पे ग्लोबल वार्मिंग आपका क्या होता है, ये आपका ग्रेजुअल इंक्रीज होता है इसमें अर्थ सरफेस के टेम्परेचर में। ठीक है, अर्थ सरफेस के टेम्परेचर में ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। ठीक है, और क्यों होता है, तो यहाँ लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ठीक है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है अर्थ सरफेस के टेम्परेचर में। क्यों होता है, तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एटमोसफेयर में इंक्रीज होने के कारण होता है। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर अमाउंट इंक्रीज होगा तो ये आपका क्या करता है, सन का जो हीट होता है उसको ट्रैप कर लेता है एटमोसफेयर में। ठीक है, जिसके कारण एटमोसफेयर का जो है अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ समझिएगा, तो यहाँ पे कौन सा गैस है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका कहाँ पे है, सेकेंड ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सेकेंड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।